भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुभापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गीताई गौर हरि सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में डुबकी लगाते हुए बड़ी देर के बाद मुझे बोलने का मौका मिला, जिसको बोलने की आदत हो उसको कुछ देर चुप रखो तो उसके लिए थोड़ा परंतु फिर भी पहला दिन है, स्वागत सबका किया गया, इसलिए वैसे भी मौसम आज आप सभी प्रभु कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है, इसलिए बारिश भी हुई उसके कारण भी थोड़ा विलंब हुआ। हमारे बीच परम श्रद्धेय महाराज जी पधारे हैं, व्यासपीठ से मैं उनको प्रणाम करती हूँ। साथ ही हमारे बड़े ही प्रसिद्ध और ईमानदार नेता श्री पप्पू यादव जी, जिनको सभी प्यार से पप्पू भैया कहते हैं, वो भी हमारे बीच में पधार रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। आप सब श्रोताओं का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रावण का महीना है, श्री भोलेनाथ जी की आज महाशिवरात्रि है, हजारों लाखों लोग श्री भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए जल लाते हैं, अर्पण करते हैं। हम सब नहीं जा पाए, शायद आप में से कोई गया हो, बाकी शायद हम जितने बैठे नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप भाव से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे और उसको जीवन में अपनाएंगे, समझ लेना भागवत के श्लोकों को आपने जीवन में उतारा, यही आपका श्री भोलेनाथ जी का अभिषेक है। भोलेनाथ जी खुश हो जाएंगे। वैसे भी हमारे भोलेनाथ जी तो नाम ही भोले हैं, बड़े ही सीधे साधे हैं, बस प्रेम से जाके उनके सामने एक बार प्रणाम बोल दो, प्रणाम बोलो, आरती करो। हमारे ब्रज के एक संत कहा करते हैं, और मैं भी उसको बार बार कहती हूँ, भोलेनाथ जी इतने सीधे हैं, मंदिर में जाके थोड़ा प्रसाद चढ़ा दो उससे भी खुश हो जाएंगे, थोड़े से बेलपत्र चढ़ा दो उससे भी खुश हो जाएंगे, गंगा जल ला के चढ़ा दो उससे भी खुश हो जाएंगे, एक हैंडपम्प का पानी चढ़ा दो उससे भी खुश हो जाएंगे, और मंदिर का घंटा भी लेके भाग जाओगे तो भी खुश हो जाएंगे कि चल कम से कम मेरे मंदिर में आया तो सही। बहुत भोले, तो ऐसे भोलेनाथ जी के कृपा और हमारे श्री ठाकुर जी और गौ माता की कृपा हुई, संकल्प लिया गया। कहते हैं संकल्प अगर शुद्ध हो, संकल्प अगर सच्चा हो तो